जब तक तू गो नहीं बोले मैं शुरू नहीं करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक जैन और आप देख रहे हो कॉलेज सर्च। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं SIBM पुणे को अपने तीन पैरामीटर्स में, जो कि है क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स, सैलरी और ROI। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको SIBM पुणे के सबसे अनोखी चीज़ें बताता हूँ, सबसे यूनिक चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले बात तो ये है कि SIBM पुणे का प्लेसमेंट रिपोर्ट IPRS से ऑडिटेड रहता है। हर बी स्कूल अपना प्लेसमेंट IPRS से ऑडिटेड नहीं कराता, तो हम ये मान सकते हैं कि जो सैलरीज वो दिखा रही है वो सच है। दूसरी बात, SIBM पुणे का कैंपस बहुत ही सुंदर जगह है लवाले में, और ये मार्केटिंग और HR के लिए हमेशा से ही एक प्रिफर्ड कैंपस रहा है। SIBM पुणे एक बहुत ही पुराना प्राइवेट कॉलेज है, तो ये हमेशा से ही यहाँ पे मार्केटिंग और HR की अच्छी अच्छी कंपनी आती है। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स की। दोस्तों क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स की बात करें तो 2022 के प्लेसमेंट रिपोर्ट में आप देखोगे कि SIBM पुणे में कंसल्टिंग की सबसे ज़्यादा रोल्स मिला है। 30% ऑफ द रोल्स वेर इन कंसल्टिंग। तो आप ये सोचोगे कि कंसल्टिंग के लिए कॉलेज बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअली कंसल्टिंग के प्लेसमेंट्स पिछले साल से थोड़ा बेटर हुआ है SIBM पुणे में। द कॉलेज इज स्टिल बेटर ओनली फॉर मार्केटिंग एंड HR। कंसल्टिंग के लिए अच्छा है, पर अगर आपको टॉप कंसल्टिंग कंपनीज में जाना है, जो कि है BCG, मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बेन का कंसल्टिंग वाला आर्म, तो वो आपको SIBM पुणे से नहीं मिलेगा। आप प्लेसमेंट रिपोर्ट में देखोगे कि बेन कैपेबिलिटी सेंटर आया है, तो वो कंसल्टिंग से अलग है। इसलिए इवन दो कंसल्टिंग के रिक्रूटर ज़्यादा है, सैलरी आपको अच्छी दिख रही होगी, बट ये IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोहिकोर, इंदौर से बहुत नीचे है कंसल्टिंग में बात करें तो। ये भी कंसल्टिंग की बात। अब जैसे कि मैंने बताया मार्केटिंग और HR की बात करें, तो मार्केटिंग और HR में आपको सारी FMCG कंपनीज दिखेंगी, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, मैरिको, डाबर, तो ये वही FMCG कंपनीज जो आपको ओल्ड IIMs में भी मिलता है। इसलिए मार्केटिंग और HR में कॉलेज का प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया है, एलुमनाई नेटवर्क बहुत बढ़िया है, उसके कारण से प्लेसमेंट्स भी बढ़िया होता है। इसलिए मार्केटिंग और HR का बात किया जाए तो क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स बहुत बढ़िया, क्योंकि टॉप IIMs में और SIBM पुणे में ज़्यादा अंतर नहीं है। करें फाइनेंस की बात, तो फाइनेंस में भी जो फ्रंट एंड IB प्रोफाइल्स है वो तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। कंपनीज आई हैं, फाइनेंस की कंपनीज भी आना ज़्यादा हो गई है पिछले ईयर से, बट जो एक्चुअल फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल्स है वो यहाँ नहीं मिलता है। लोग भी यहाँ फाइनेंस कम स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि कॉलेज फाइनेंस के लिए उतना मशहूर नहीं है। फाइनेंस के लिए सिर्फ टॉप ओल्ड IIMs में ही अच्छे प्रोफाइल्स मिलते हैं, क्योंकि जो नीच प्रोफाइल्स मिलती है वो आपको बाद में प्राइवेट कॉलेजेस में उतनी नहीं मिलती। इसलिए अब समराइज किया जाए तो SIBM पुणे को क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स में मार्केटिंग और HR में 4.5/5 दिया जा सकता है, लेकिन फाइनेंस और कंसल्टिंग में 3.5/5 दिया जाएगा क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स में, और कारण मैंने आपको बता दिया। दोस्तों सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी 20 लाख से भी ऊपर थी, मीडियम सैलरी 20 लाख से ऊपर थी 2022 की, और जैसा कि मैंने बताया कि IPRS से ऑडिटेड रिप्लेसमेंट रिपोर्ट हाईएस्ट सैलरी 45 लाख की थी। तो ओवरऑल सैलरी की बात करें तो बहुत बढ़िया है, 4/5 का रेटिंग दिया जा सकता है। दोस्तों ROI की बात करें, मैंने बताया था ROI कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज सैलरी को फी से डिवाइड करना है। इसकी एवरेज सैलरी 23 लाख थी 2022 में और फीस 20 लाख है, तो ROI 1 से थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसे 3.5/5 दूंगा। मैं इसे 4 या 4.5/5 नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं FMS TIS जहाँ पे ROI 2-3 से भी ज़्यादा है, तो उनके लिए मैंने रिजर्व कर रखा है अपना स्कोर। बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी डिसेंट ROI, क्योंकि 1 से ऊपर ROI मतलब कि ROI इज नॉट बैड। दोस्तों ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो ओवरऑल रेटिंग में SIBM पुणे को 4/5 दिया जाएगा, क्योंकि कैंपस बहुत बढ़िया है, कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया है। एक और चीज़ है ओवरऑल में जो कि इसकी अच्छी है, वो है कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन। कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन में SIBM पुणे वाले ओल्ड IIM से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन जीतते हैं, जिनसे PPOs और PPIs मिलता है। जब आप किसी कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन जीतते हो, कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन किसे कहते हैं, कोई कंपनी ने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया, उसमें बहुत सारे कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट किए, जो जीतता है उसे PPI मिलता है, जो होता है प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू। इसका मतलब कि जो वो जीतते हैं कॉम्पिटिशन, उन्हें जॉब के लिए इंटरव्यू वहीं पर मिल जाता है, जस्ट बिकॉज उन्होंने कॉम्पिटिशन क्रैक किया। और SIBM पुणे के बच्चे पिछले 3-4 साल से अच्छा कर रहे हैं, कैंपस लाइफ बहुत ही बढ़िया है, मार्केटिंग HR का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, इसलिए 4/5 दिया जा रहा है। ज़्यादा क्यों नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि कंसल्टिंग और फाइनेंस में कॉलेज थोड़ा वीक है। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, स्टे सेफ।